नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। आज हम पितामह द्वारा लिखे हुए पुस्तक अमृत कलश के 9वें अध्याय आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने चारों ओर जिन असंख्य भौतिक उपलब्धियों को देख रहे हैं, वे वास्तव में सभी वैज्ञानिकों व टेक्नोलॉजिस्ट के न थकने वाले परिश्रम का परिणाम है। आजकल हमें आराम व विलासिता के कई साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास टेलीविज़न है, इंटरनेट है, जेट विमान है, लेजर हैं और ऐसी अन्य कई सुविधाएं हैं। असंख्य महान वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के ने मिलकर और बड़ी मेहनत करके मानवता को भौतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंचाया है। यह मानव की मनोवृत्ति है जिसने उसे एटम का विश्लेषण करने की शक्ति दी है। इसी मनोवृत्ति ने उसे आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने की क्षमता दी है और इसी ने उसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी बाहर निकलकर चांद पर कदम रखने की हिम्मत दी है। इस सब के बावजूद अधिकांश लोग अब भी सभ्य सुसंस्कृत नहीं बन पाए हैं। मानव आज एक मशीन बन गया है, उसमें आत्मा का अंश कम है। प्रमुख रूप से इसका कारण यह है कि दुर्भाग्यवश उसमें करुणा का मनोभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं है और हम कितने ही अत्याचार होते हुए रोज़ देख रहे हैं। कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो कहीं एक व्यक्ति एक पशु को मार रहा है। यह मानव इतना करुणा रहित निर्दय कैसे हो गया? अधिकांश मनुष्य अब तक यह नहीं जान पाए कि उचित भोजन क्या और कैसा होना चाहिए, सही रहन सहन क्या होना चाहिए, हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए। मनुष्य को एक विराट स्तर पर करुणा की शिक्षा लेनी चाहिए ताकि वह सच्चे अर्थों में सभ्य सुसंस्कृत व विवेकपूर्ण कहला सके। यदि हम सच्ची खुशी के लिहाज से देखें तो शायद मानव पशु साम्राज्य से बहुत पीछे है। आपको कोई भी जानवर दुखी नज़र नहीं आएगा और दूसरी ओर कोई विरलाई इंसान ऐसा मिलेगा जो सचमुच खुश हो। मानव के लिए यह कितनी शर्म की बात है। पशुओं के मांस का भक्षण करना तो बहुत ही भयंकर बात है। मानव पशु मांस खाने के लिए बना ही नहीं है, पर फिर भी 90% लोग पशु साम्राज्य के अपने भाई बहनों को खा रहे हैं। यदि मानव के भीतर बसा करुणा भाव जगाया नहीं जाता तो निश्चय ही इस पृथ्वी से उसका नामो निशान मिट जाएगा। समस्त जीव पशु पक्षी तथा जलचर बहुत सुंदर है तथा बहुत अद्भुत जीव हैं, परंतु वे मानव की निर्दयता के निरंतर शिकार बन रहे हैं। यह अत्यधिक दुख का विषय है कि मानव में वो करुणा ही नहीं रही। करुणा मनोवृत्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अनिवार्य रूप से अपने अंदर आध्यात्मिक मनोवृत्ति को पैदा करना होगा। उसे अपने भीतर की यांत्रिकता को कम करके आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। उसे अपनी भौतिकता को कम करके आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। इसी आध्यात्मिक मनोवृत्ति के अभाव के कारण मानव आज सुख से वंचित हो गया है। उसके जीवन में दुख घर कर गया है। करुणा भाव के अभाव के कारण ही उसके स्वभाव में पशुओं के प्रति यह निर्दयता आ गई है और यह निर्दयता आध्यात्मिक मनोवृत्ति के अभाव का ही परिणाम है। यदि हम अपने अंदर आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक तथा अपने
बाहर सामाजिक रूप से अधिक उत्तरदायी नहीं बनते, तो इसका यह अर्थ है कि हम बिल्कुल ही आध्यात्मिक मनोवृत्ति से रहित हैं। यदि हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा अपने भीतर के आत्मतत्व को नहीं समझते और यही मानते रहते हैं कि दूर ही कहीं कोई भगवान है, मरणोपरांत जीवन के बारे में अनेक शंकाएं मन में बनाए रखते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि हम में किसी प्रकार की आध्यात्मिक मनोवृत्ति है ही नहीं। अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी सुपरिचित वैज्ञानिक मनोवृत्ति को कुछ मूलभूत प्रश्नों पर लागू करके देखना चाहिए, जैसे हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं आदि, ताकि हम वास्तविक स्वास्थ्य, वास्तविक शांति व वास्तविक खुशी को अपने जीवन में ला सके। अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी उस सुपरिचित वैज्ञानिक मनोवृत्ति को भीतरी आध्यात्मिक जगत के अनुसंधान में लगाना चाहिए, जिसे अब तक केवल बाह्य भौतिक जगत की खोज में ही प्रयोग किया गया है, और इसी को आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहा जा सकता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए भौतिक वस्तुओं के तर्क तथा जांच पर आधारित खोज की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन वस्तुओं के लॉजिकल और सिस्टमेटिक खोज नहीं करता, उसके पास यह वैज्ञानिक मनोवृत्ति है ही नहीं। और जो व्यक्ति तर्क व विश्लेषण के आधार पर अपनी और अपने जीवन की जांच पड़ताल नहीं करता, उसके पास आध्यात्मिक मनोवृत्ति का अभाव है। और यह जांच पड़ताल हम केवल ध्यान की अवस्था में ही कर सकते हैं, जब हमारा भौतिक मन चेतना की उच्च अवस्था में होता है। बुद्ध ने यह स्वयं अपनी जांच पड़ताल की, जीसस क्राइस्ट ने भी अपना परीक्षण किया। जब उन्होंने अपनी परख खुद की, तभी वे अपने बारे में बड़े बड़े सत्य जान पाए, और उन्होंने अपने अनुभव समस्त मानवता के समक्ष खुद रखे। सच्चे और समर्पित ध्यानियों के आध्यात्मिक अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही आध्यात्मिक वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षित आध्यात्मिक वैज्ञानिक अपनी आध्यात्मिक मनोवृत्ति को मानवीय आत्मा, दुख तथा क्षमताओं से जुड़े हर विषय पर लागू करते हैं। इस मनोवृत्ति का उद्देश्य सत्य का दर्शन करना है। जो लोग गहन ध्यान करते हैं, वे प्रतिदिन इस सत्य का अनुभव करते हैं कि आत्मतत्व क्या है। आध्यात्मिकता का अध्ययन योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिकता को अध्यात्म विज्ञान के रूप में विकसित होना ही है। अब पृथ्वी पर आध्यात्मिक वैज्ञानिक का विशेष रूप से और आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति का सामान्य रूप से एक नया युग आरंभ हो रहा है, इसलिए इस युग को नवयुग कहा जाता है। इस समय पृथ्वी पर एक प्रबल आध्यात्मिक वैज्ञानिक क्रांति चल रही है, और इतने बड़े स्तर पर चल रही है कि इस ग्रह के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना है। असंख्य नवयुग आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथा नवयुग आध्यात्मिक गुरु दिन रात श्रम करके अनजान जन समूह को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें स्वयं अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से अपना उपचार करने की आवश्यकता है। इस नवीन आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। यह केवल ध्यान ही है जिसके द्वारा हमें वह महान ऊर्जा मिलती है।
जिससे हम अपनी सभी व्याधियों का उपचार कर सकते हैं, चाहे वे कितनी ही पुरानी क्यों न हो। प्रत्येक व्यक्ति को गहन ध्यान में बैठकर अपने मूल आत्म तत्व को पहचानने की आवश्यकता है, और यह तो अपने प्रयास तथा अनुभव से ही जाना जा सकता है। अब समय आ गया है जब हमें मानव जीवन में सच्चे सौंदर्य का सर्जन करने के लिए आध्यात्मिक मनोवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पृथ्वी ग्रह पर वास्तविक हार्मनी पैदा हो सके तथा धरती माता पर एक स्थायी स्वर्ग का निर्माण किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति में निपुणता प्राप्त कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे प्रयोग करना चाहिए। यह आध्यात्मिक मनोवृत्ति बाल्यकाल से ही सभी व्यक्तियों में पैदा की जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक बालक एक सुंदर मानव रूप में विकसित हो सके, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न मानव बन सके, दिव्य गुणों से युक्त मानव बन सके तथा सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार इंसान बन सके। प्रत्येक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति के द्वारा अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति व आयामों को समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। हम वास्तव में ब्रह्मांडीय ईश्वरी हैं और कुछ समय के लिए मानव शरीर में वास कर रहे हैं। न हमारा कोई आदि है, न ही अंत। हमारी वास्तविक प्रकृति को तो हमारी कल्पना से भी परे है। आनापानसती ध्यान के द्वारा इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति को अपना कर समस्त मानवता शीघ्र ही करुणामय मानवता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। शीघ्र ही मानवता एक स्वस्थ, बुद्धिमान तथा प्रसन्न मानवता के रूप में परिणित हो जाएगी, जो अत्यंत सौंदर्य युक्त मानवता होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे।